मैंने सिर्फ एक सवाल करना था डीजीआईएस पीआर साहब से कि उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी है, साथ उन्होंने आगे ये कहा कि डिजिटल दहशतगर्द का कोई पता नहीं कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान से बाहर है, वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है। ये वर्ड्स डीजीआईएस पीआर के मैं कोट कर रहा हूँ। जब आपको ही नहीं पता कि वो पाकिस्तान है या पाकिस्तान से बाहर है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कहाँ पे बैठा है, तो फिर ये आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि वो डिजिटल दहशतगर्द हम सारे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? आपकी अपनी स्टेटमेंट आपके मौकफ को कंट्राडिक्ट कर रही है। हम इस जदोजहद में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, और जुमे वाले दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट होगा वो इंशाल्लाह हमारा आइनी जमहूरी कानूनी हक है, वो पुरअमन होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दो चार कातिल पंजाब की हुकूमत का और मरकज की हुकूमत का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके ऊपर रजिस्टर्ड FIR हैं, ये जो वहाँ पर हिस्सा हैं और ये हमेशा डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, ये कभी मॉडल टाउन के अंदर गोलियां मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, इन्हें और पंजाब के IG को सिर्फ एक ही बात कहनी है कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, ये वक्त एक जैसा नहीं रहना। ये आप लोग आज जो कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम अपने पर किया तो भूल जाएंगे, लेकिन आप जो औरतों के साथ, जो बच्चों के साथ, जो घरों की चादरों और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करके कर रहे हैं, इसका रिटर्न इंशाल्लाह आपको देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी।